नमस्ते, वेलकम टू माय हंगर पैंग्स। आज हम एक बहुत ही स्पेशल इंडियन स्वीट बनाते हैं, वो है बूंदी के लड्डू। आप इसे कई बार मिठाई की दुकान में देखते हैं और खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है, पर हर टाइम बाहर से खरीद के खाना संभव नहीं होता है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक बहुत ही ईजी तरीका, जिससे हम घर पे स्वादिष्ट, हेल्दी, टेस्टी बूंदी के लड्डू बना सकते हैं और आप अपने बच्चों को या अपने घर वालों को इम्प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बनाना चाशनी। चाशनी के लिए हम यूज़ करेंगे करीब एक कप शक्कर, 1.5 कप्स यानी कि 1.5 कप पानी। जब तक चाशनी हमारा तैयार हो रहा है, चलिए हम बनाते हैं बूंदी का बैटर। बूंदी के बैटर के लिए हम लेंगे 1 कप बेसन। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप रवा या सूजी। ध्यान रहे कि बस चुटकी भर बेकिंग सोडा आप बैटर में डालें। ज़्यादा बेकिंग सोडा से बैटर खराब हो जाएगा और आपके बूंदी ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे। इसमें हम डालेंगे चुटकी भर फूड कलरिंग। ऐसे तो बूंदी के लड्डू में केसरी रंग यूज़ किया जाता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने का मन है तो आप रंग बिरंगे लड्डू भी बना सकते हैं। घोल बनाने के पहले हम अपने पैन में घी गरम करने को रख देंगे। बूंदी के लड्डू घी में बनते हैं, कंजूसी मत कीजिएगा और घी ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे तेल या ऑलिव ऑयल में बनाएंगे तो स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा। घी हमारा गरम हो रहा है, चलिए हम अपना बैटर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमने ऐड किया है करीब 1 कप पानी। ध्यान रहे कि बूंदी का जो बैटर है वो ज़्यादा थिक ना हो या ज़्यादा थिन ना हो, क्योंकि बूंदी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बूंदी के लड्डू में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हमें थोड़ा और पानी ऐड करना चाहिए इस पे। देखिए, ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका बैटर रेडी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर करीब 5 से 10 मिनट इसे ढक के रख दीजिएगा। इससे जो सूजी रहता है वो सोक हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है और स्लाइटली फुल भी जाता है, ताकि आपके जो बूंदी है वो टेस्टी और क्रिस्प हो जाए। हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इस बीच हम डालेंगे हमारी चाशनी में 1-2 सीक्रेट इन्ग्रीडियंट। हम इसमें डालेंगे चुटकी भर कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर। इससे चाशनी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें हम अब डालेंगे केसर। केसर से इसमें रंग और स्वाद दोनों आ जाएंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे बॉईल करने दीजिए। अब हम हमारे बूंदी के लड्डू के सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट पार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि बूंदी की तैयारी। बैटर हमारा रेस्ट हो चुका है और हम लेंगे इसे और बनाएंगे हमारे बूंदी। बूंदी बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसकी राइट कंसिस्टेंसी, कलर और शेप अगर आपको मिल जाती है, यानी कि आपके बूंदी के लड्डू 100% सक्सेसफुल होंगे। हमारे इस लॉट के बूंदी तैयार हो चुके हैं। हम इसे सीधे चाशनी में डाल देंगे। हमारा बूंदी हमारे चाशनी में अच्छे तरीके से सोक हो चुका है। हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे चाशनी और बूंदी के मिक्सचर को अब मिक्सी में एक स्लाइट ग्राइंड करेंगे। ध्यान रहे कि ये एक हल्का सा रफ़ ग्राइंड होना चाहिए, पेस्ट नहीं बनना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड। अब हमारा बूंदी और चाशनी हमारे ब्लेंडर में आ चुका है। आप इसे मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक रहे और पेस्ट ना हो जाए। हमारा फर्स्ट लॉट ग्राइंड हो चुका है। अब हम अपना सारा बूंदी और चाशनी ऐसे ग्राइंड कर लेंगे और एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारा सारा बूंदी ग्राइंड हो चुका है। ग्राइंड होने के बाद आपके बूंदी भी कुछ ऐसे ही दिखने चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स, 2 से 4 बड़े चम्मच पिस्ता। इसके बाद हम इस पे डालेंगे 2 से 4 बड़े चम्मच बादाम। हम पिस्ता, बादाम और काजू को
स्लाइस या ग्रेट कर ले सकते हैं, उससे खाने में इजी होता है। लास्ट हम इस पे डालेंगे 2 से 4 चम्मच काजू। हाथ साफ से धो लीजिएगा और फिर अपने पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। लड्डू का मिश्रण अभी रेडी है, चलिए साथ में बनाते हैं लड्डू। बूंदी के लड्डू अब तैयार है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं एक चख रही हूँ। वेरी नाइस। लड्डू तो आज बहुत ही बढ़िया बना है, आप भी इसे बनाएं घर पे और हमें लिख भेजें कमेंट्स पे कि आपको रेसिपी कैसा लगा। वील बी बैक विथ मेनी मोर ग्रेट रेसिपीज, तब तक आप देखते रहिए माई हंगर पैंग्स एंड कीप लाइकिंग।